उत्सुकता यहाँ पर लोगों के बीच में काफी देखने को मिल रही है, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो सपा और भाजपा में इस बार जो है देखने को मिल रही है। काफी तगड़ी यहाँ पर फाइट देखने को मिल रही है। चार विधानसभा सीटें, चारों विधानसभा सीटों में तीन विधानसभा सीटों पर जो है सपा और भाजपा की जो है टक्कर है, और वहीं बीसलपुर जो विधानसभा है वहाँ सपा वो भाजपा और बसपा के कैंडिडेट में जो है काफी तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रांजल, अगर आप देखें तो पीलीभीत की सभी विधानसभाओं में कांटे की टक्कर हमें देखने के लिए मिल रही है और प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं चुन चुन कर यहां पर पार्टियों ने उतारे गए हैं। जी चलिए ठीक है प्रांजल, आपका रुख करूंगी और शिवराज का भी मैं रुख करूंगी। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, मतदान केंद्रों पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। जनता किस तरह की यहाँ पर अपने मुद्दे रख रही है, किस तरह की बातें रख रही है आज चौथे चरण को लेकर, वो भी सुनना जरूरी है। 305 में बूथ पे आया था। हाँ, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज में क्या समस्याएं उठानी पड़ी? यही कि मतलब आने पर ईवीएम मशीन वालों खराब है, प्रॉब्लम होते हुए भी आधे पौन घंटे से इंतजार करते करते। हाँ, तो पैदल खुद चल के आए आप? पैदल चल के आए भैया, ऐसे लंगड़ाते 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 चलते हुए आए, इसलिए पैर में परिया है नहीं, इस पैर इतने पैर में। हाँ, चलने बहुत प्रॉब्लम है खड़े होने में। कोई व्हीलचेयर नहीं है? कोई कुछ इंतजाम नहीं भैया, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। वोट कितनी देर बाद डाल पाए? कम से कम पौन घंटे से खड़े खड़े लाइन में। हाँ, गिरधारा सिंह पोलिंग स्टेशन है और मेरा पोलिंग रूम 305 नंबर था, जहाँ पे मैं सुबह लगभग 7:15 बजे पहुँच गया था, परंतु बताया गया पोलिंग मशीन जो वोटिंग मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है। उसके लिए पीटासीन अधिकारी से कांटेक्ट किया गया। हाँ, बोले अभी काम चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगी। किसी तरीके की यहाँ पे व्हील चेयर या और कोई नहीं, सुविधा? कोई व्हील चेयर नहीं, कोई चेयर नहीं, इवन नॉट सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई प्रॉपर नहीं। मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मुझे आधे घंटे तक वेट करना पड़ा।